Good morning, student. Today I am going to teach you for class 2 and chapter number 50. And the chapter's name is the Nutcracker. Nutcracker means khatre ko talne wala. Nutcracker means khatre ko talne wala. ये पार्ट वन है, दो पार्ट में है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. लेट्स बिगिन. वंस अपॉन ए टाइम एगर गोल्ड क्लारा लिव्ड इन ए बिग हाउस विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर फिल्ड. एक बार क्लारा नामक लड़की एक बड़े से घर में अपने माता पिता और अपने भाई फ्रिट्ज के साथ रहती थी. इट वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस. ये रात था क्रिसमस के पहले वाली रात थी. अगले दिन क्रिसमस मनाया जाना था, उसके पहले वाली रात थी. क्लारा एंड हर फैमिली वेर डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री. क्लारा और उसके परिवार क्रिसमस ट्री को सजा रहे थे, संवार रहे थे. देन देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर. तब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है. नॉक 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 ऐसे करके आवाज आती है, खट 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 करते हैं. तो इस तरह किसी ने दरवाजा खटखटाया. तो क्लारा बोलती है एक अंकल ड्रोसलेमर. ये अंकल ड्रोसलेमर. तो अंकल बोलते हैं, अंदर आते हैं अंकल. अंकल बोलते हैं मेरी क्रिसमस मदर फ्रिट्ज एंड क्लारा. हैप्पी क्रिसमस, कुछ बधाई देते हैं क्रिसमस की माँ को, फ्रिट्ज को और क्लारा तीनों को. तो मेरी क्रिसमस, वो लोग भी बोलते हैं मैरी क्रिसमस. तीनों बोलते हैं मैरी क्रिसमस, रिस्पॉन्स करते हैं. अंकल बोलते हैं टेकिंग आउट ए नट क्रेकर. एक नट क्रेकर टॉय खिलौना, उसको निकालते हैं अपना बैग से या कहीं से, कहीं रखे होंगे तो उस बाहर निकालते हैं. फ्रॉम ए बॉक्स, या निकालो फ्रॉम ए बॉक्स, बॉक्स से बाहर निकालते हैं, बक्से से बाहर निकालते हैं. और बोलते हैं वो अंकल क्लारा माय डियर आई मेड दिस फॉर यू. क्लारा मेरी प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए इसे बनाया है. मतलब वो डोल है, टॉय है, उसको क्लारा के लिए उसके अंकल ने बनाया है. तो क्लारा बोलती है नट क्रैकर डोल. ए नट क्रैकर डोल, वाह, तोड़ खतरे को टालने वाला डोल. कैन इट क्रैक नट्स टू, क्या है क्रैक कर सकता है, परेशानियों को दूर कर सकता है, खतरे को टाल सकता है. तो अंकल ने बोला यस आई विल शो यू हाउ, मैं देखकर दिखाता हूँ कैसे. तो क्लारा वो आई लव, थैंक यू अंकल, मैं बहुत चाहती हूँ इसे. धन्यवाद अंकल को, उन्होंने धन्यवाद दिया क्लारा ने. तो अंकल बोलते हैं यू आर वेलकम क्लारा, आपको भी वेलकम है क्लारा. एंड फ्रिट्ज दोनों को उन्होंने वेलकम किया. This toy train is for you. Clara and Fritz, this toy train is for you. उसके बाद जो स्टोरी टेलर है, जो जिन्होंने कहानी लिखा है, वो बोलते हैं बीच में आके नाटक है एक तरह का. तो बीच में आते हैं, बोलते हैं कि Fritz was jealous of Clara's toy. Fritz उसका भाई बहुत ईर्ष्या हो गया है कि क्लारा को गिफ्ट किया है ना उनका अंकल. तो उनका भाई को जलन हो रही है कि मुझे क्यों नहीं मिला. तो ही स्नेच इज हर, तो उसके भाई फ्रिट्ज ने क्लारा से छीन लिया उस टॉय को. देयर वाज अ फाइट एंड सून, लड़ाई होने लगी दोनों में, जल्दी लड़ाई होने लगी. द नट क्रैकर ले ऑन द फ्लोर. तो नट क्रैकर जो टॉय था नीचे गिर गया और उसका आर्म जो है, बांह जो है, बांह उनका टूट गया, ब्रॉक हो गया. तो क्लारा रोती है माय नट क्रैकर, आपका भी डोर गिरता है टूटता है, थोड़ा सा दुखी होते हैं आप. जिसने काम जो गिराता है उसको थोड़ा आप डांटते हैं या गुस्सा दिखाते हैं उस पर. इसी तरह उसने भी अपने गुस्से दिखाई इस ब्रोकन अंकल. देखिए माय नट, आप बोल रहे क्लारा माय नट क्रैकर, मेरा नट क्रैकर गिर गया, टूट गया. तो अंकल बोलते हैं डोंट क्राय, मत रो, मत रो क्लारा, मत रो क्लारा, आई विल फिक्स इट, मैं इसे साट देता हूँ, जोड़ देता हूँ.
स्टोरी टेलर, बीच में आते हैं कहानी बोलने वाले, कथाकार, वक्ता, अंकल डोसलेमेर वाज गुड एट मेकिंग थिंग्स। अंकल जो जो लाए थे इस टॉय को वो बनाते थे, रिपेयर करते थे, कुछ टूटे फूटे चीज टॉय को मरम्मत करते थे, वो एक्सपर्ट थे मरम्मत करने में। तो गुड एट मेकिंग थिंग्स इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब कि जल्दी तुरंत द आर्म वाज फिक्स्ड, आर्म लग गया, आर्म जो टूटा हुआ था टॉय का वो तो लग गया। तो अंकल बोलते हैं डियर क्लारा यू आर नट क्रिएटर इज गुड डिज्नी। क्लारा देखिए आपका जो टॉय है नट क्रिएटर अच्छा हो गया, नया भी हो गया। तो क्लारा बोलती है थैंक यू सो मच अंकल, धन्यवाद अंकल। मदर बोलती है इट इज ऑलमोस्ट मिडनाइट, अब तो लगभग अर्धरात्रि हो चुकी है, मध्य रात्रि हो गई है, तो वी नीड टू स्लीप, तो हम लोग को सोना चाहिए, आप लोग भी बहुत देर रात हो जाती है तो सोते होंगे, तो टाइम हो गया सोने का, काफी टाइम हो गया, 12 तक बज गया, मिड नाइट 12 बजे तो सोने का समय तो हो ही गया। इट इज ऑलमोस्ट मिड नाइट, वी नीड टू स्लीप, हम लोग को सोने का आवश्यकता है। तो स्टोरी टेलर होते हैं, बीच में फिर आते हैं कथाकार, एवरीवन वेंट टू बेड, सभी लोग बेड में चले गए, सभी लोग बेड में चले गए, बट क्लारा कम डाउन क्वाइटली टू लुक एट द नट क्रैकर। लेकिन क्लारा नीचे आई चुपचाप चुपचाप नीचे आई वो देखने के लिए नट क्रैकर को। सी ले डाउन नियर द ट्री एंड फेल अस्लीप विद द नट क्रैकर। वो नीचे नट क्रैकर रखा हुआ था उसका डॉल ना टॉय, उसके पास आई वो और सो गई, नट क्रैकर के पास आके सो गई नीचे ही फ्लोर में। किस्मत ट्री जहाँ रखा हुआ था वहाँ आके सो गई विद द नट क्रैकर इन हर हैंड, अपने हाथ में लेकर उसको अपने हाथ में भी ले ली वो टॉय को और सो गई। द क्लॉक स्ट्रक मिडनाइट, तो हर प्रति घंटे में क्लॉक बजता है ना, हर घंटे का अलार्म देता है, तो वही बजने लगा, बम 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 टंग 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 आवाज आने लगी, 12 बजने की आवाज आई बम बम। क्लारा रबिंग हर आइज, क्लारा रबिंग हर आइज, व्हाई डज द रूम लुक बिगर, बोल रही है आँख को ऐसे ऐसे घसते हुए, आप भी उठते हैं तो ऐसे करते हैं आँख को, तो वो भी उठ रही है आँख को घिसते हुए घर्षण करते हुए। Why does the room look bigger, कमरा इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसे बोल रही है कमरा इतना बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है। एंड द क्रिसमस ट्री सो टॉल, क्रिसमस का ट्री वो भी बहुत लंबा है, इतना लंबा तो नहीं था। What is that noise? और ये शोर क्या है, किस तरह का शोर है ये, It sounds scary, लगे ड्रामा आवाज है, डराने वाली आवाज है, कहाँ से आ रही है, It sounds scary, story, फिर स्टोरी टेलर आते हैं बीच में, स्टेज में आते हैं और बोलते हैं एन आर्मी ऑफ माइस लेड बाय द फियर्स माउस किंग इंटर। तो एक चूहों का समूह अपने राजा के साथ इंटर करते हैं स्टेज में, इंटर द रूम है ना, कमरे में प्रवेश करते हैं, तो माउस किंग बोलता है, चूहों का राजा बोलता है पुश शुड अटैक, मतलब जिसे देखते हैं यहाँ पे एक क्लारा नाम की लड़की रहती है अपने भाई अपने माता पिता के साथ, या एक दिन पहले क्रिसमस जो त्योहार है उस दिन पहले की बात है, तो क्रिसमस ट्री को सजाने में लगे रहते हैं, उसी दरमियान उसके चाचा आते हैं, अंकल आते हैं डोसलेमेर, और वो एक नट क्रैकर डॉल के साथ आते हैं, नट क्रैकर गिफ्ट के रूप में वे क्लारा को देते हैं। तो क्लारा को बोलते हुए कहते हैं कि मैंने ये डॉल आपके लिए बनाया है, फिर
ओके।